हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड रेसिपीज़। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल फ़िश करी की रेसिपी। ये फ़िश करी बहुत आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ़िश करी बनाने के लिए मैंने आज रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है और सबसे पहले इस फ़िश को मैरिनेट कर लेना है, इसलिए मैंने इस पे डाला है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 नींबू का रस। तो सबसे पहले हमें मछली को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और फिर इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसी टाइम पर हम एक पेस्ट बना लेंगे और उसके लिए एक मिक्सी का जार ले लेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर और उसके साथ साथ 2 छोटे प्याज भी डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े। अदरक को मैंने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है ताकि पेस्ट करने में आसानी हो। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सी में चला लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रख लेंगे अलग से। तो पेस्ट हमारा यहाँ पर रेडी है। तो अब हम चलेंगे कुकिंग के प्रोसेस में। एक पैन गरम करके इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और तेल को अच्छे से सबसे पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल से धुआं निकलेगा तो हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ फ़िश। जब भी मछली को फ्राई करें उसे हाई हीट में फ्राई करना चाहिए, वरना यह मछली जो है वो टूटने लगते हैं। एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये फ़िश करी और बनाने में भी बिल्कुल कम समय लगते हैं। तो अगर आप एक बार इस फ़िश करी को बनाएंगे तो बार बार बनाते जाएँगे। तो देखिए मछली जो है यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं अलग से रख रही हूँ एक प्लेट में और इसी तेल में हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे 6 हरी मिर्च को चॉप्ड कर लिया है और पहले हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो हमने पहले बना कर रखे थे। अब गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसको फ्राई करते रहेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये टमाटर प्याज का ये जो पानी है एक्स्ट्रा ये सूख ना जाए। तो देखिए यहाँ पे यह टमाटर प्याज का जो पेस्ट था वो अच्छे से भुन गया है, इसका एक्स्ट्रा पानी भी सूख चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले और। तो इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हमने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। उसके साथ साथ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसके साथ साथ हम डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला को अच्छे से भून लेंगे। जब तक ऑयल से मसाला सेपरेट नहीं होता है तब तक हमें इसको ऐसे ही फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम पहले से जो मछली फ्राई करके रखे हैं उसको डाल देंगे। आप लोग रूह की जगह कोई और भी मछली ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेगा खाने में। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढक के पकने देंगे 3 से 4 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और ढक्कन ढक के पकने देना है कुछ टाइम के लिए। तो ढक्कन को हमने उठा लिया है और एक बार मछली को पलट रही हूँ और ऐसे ही मछली को पलटने के बाद और 2 मिनट ऐसे ही कुक होने देना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी डालें, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। कसूरी मेथी यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अच्छे से कसूरी मेथी को मिला देना है और 2 मिनट ऐसे ही कुक कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये फिश करी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हम मिलते रहेंगे नए नए रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।